मैं BSF 66 बटालियन से हूँ और इस साल पहला सर्दी है हमारा पंजाब में। ये बटालियन इसके पहले त्रिपुरा में थी, त्रिपुरा से इसी साल गर्मियों के मौसम में यहाँ शिफ्ट हुई है, पोस्टिंग आई है और ये पहला सर्दी का मौसम है इस यूनिट का यहाँ। और यहाँ सुनने में आ रहा है काफ़ी फोग होती है, इतना फोग होता है कि बिल्कुल नज़दीक खड़ा कोई बंदा दिखाई नहीं देता है। और फोग अभी स्टार्ट हो चुकी है, अभी तो इतना ज़्यादा फोग नहीं है, फिर भी फोग है, रात के वक्त दूर तक दिखाई नहीं देता। और ऐसे मौसम में जब दिखाई नहीं देता है ज़्यादा और फसल कट चुकी होती है, अभी धान का फसल कट चुका है, बिल्कुल क्लियर है, ऐसे मौसम में हम लोगों ने कई लेयर की सिक्योरिटी और बढ़ा देते हैं और कई तरह की स्पेशल ऑपरेशन भी अपने साथ जोड़ लेते हैं ताकि किसी तरह का कोई गैप ना मिले स्मगलर्स को और क्रिमिनल्स को। और अभी ड्यू टू हमारा जो पंजाब में 50 किलोमीटर का एरिया एक्सटेंड हुआ है, हम लोगों ने 15 to 50 किलोमीटर के एरिए में भी अपने चेक पॉइंट बनाए हैं और ये कई लेयर की सुरक्षा यहाँ पर कर देते हैं ठंडे के मौसम में जब फॉगिंग होती है और दिखाई नहीं देती। और ये समय चालू हो गया है, हम लोगों ने कई लेयर की सिक्योरिटी शुरू कर दी है यहाँ। सर अगर बात करें 50 किलोमीटर के पहले की, तो ये सरहद के साथ जो सा ऑपरेशन शुरू किया गया है, क्या इस 50 किलोमीटर के अंदर भी ये ऑपरेशन जारी है? ये 50 किलोमीटर पर फिलहाल इस यूनिट ने अभी तक कोई बड़ा ऑपरेशन ऐसा नहीं किया है, लेकिन सारी कार्रवाई चल रही है और हम लोग पूरे 50 किलोमीटर तक के एरिए को बिल्कुल पकड़ के रखेंगे। फॉगिंग से कितना को परेशानी आती है जवानों को चौकसी के लिए जो इतना ऑपरेशन बढ़ाना पड़ता है? अभी फॉगिंग शुरू हो चुकी है पंजाब में और रात के दूसरे पहर 12 बजे के बाद से फॉगिंग बहुत बढ़ जा रही है, लेकिन सुबह जैसे धूप निकलता है 7 बजे के बाद फॉगिंग थोड़ी कम हो जा रही है, लेकिन जो रात का दूसरी पहर और सुबह 7 बजे तक का जो समय है इसमें फॉगिंग इतनी होती है कि कोई बंदा दूर से आ रहा है तो वो दिखाई नहीं देगा। और उसके लिए हम लोगों को कई लेयर की सिक्योरिटी करनी पड़ती है, कई सिक्योरिटी सिस्टम लगाने पड़ते हैं और हम लोग पूरी तरह से तैयार हो रखे हैं। कोई ऑपरेशन को नाम भी दिया जाता है? ऑपरेशन के कई नाम हैं लेकिन अभी मैं नहीं बता सकता इसको, कई तरह के नए नए ऑपरेशन, कई स्पेशल ऑपरेशन हैं और फिलहाल नाम बताना उचित नहीं।